आज ये पत्रकारिता इसलिए है कि सावन मास की अमृत कथा का आयोजन जो है वो 16 जुलाई एतवार से 16 अगस्त तक ये सावन के महीने की कथा जो है ये कठुआ आर्य समाज के इस पवित्र हाल के अंदर चलेगी। इस बार जो है वो 25वां साल इस कथा को पूरा होगा सिल्वर जुबली के तौर पर। पिछले 25 साल से ये कथा जो है ये आर्य समाज मंदिर वेदों के आधार पर ये कथा चल रही है। अलग अलग प्रवक्ता 25 साल के अंदर आए और उन्होंने वेदों के आधार पर ये जहाँ कथा हमें सुनाई। इस बार जो 25वीं बार जो कथा शुरू हो रही है हिमाचल से माता सत्यप्रिय जी, और एक उसके बाद 20 तारीख के बाद एक और प्रवक्ता आएंगे, तो वो जब आएंगे उनका नाम फिर हम आपको सुनाएंगे। लेकिन पहले जो है ये माता सत्यप्रिय जी कल से वो कथा शुरू करेंगी। आज वो जहाँ दोपहर के बाद 2 बजे के बाद आ जाएंगे। तो मेरी माताओं बहनों से प्रार्थना है, कठुआ नगर वासियों से, गाँव वासियों से, कि आप लोगों को पता है कि यहाँ कथा चलती है, लेकिन फिर आपको याद दिलाने के लिए पत्रकारिता जो हम कर रहे हैं, तो मेरी माताओं बहनों से, भाइयों से, दुकानदारों भाइयों से, मजदूर भाइयों से, किसान भाइयों से प्रार्थना है, बच्चों से भी, कि इस कथा को सुनने के लिए ठीक शाम 4 बजे ये कथा शुरू होगी और 6 बजे तक ये कथा चलेगी हर रोज। उसके बाद हर लोग, आपको पता है सावन महीने के अंदर पकवाने, कई किस्म की पकवाने बनती हैं, और पकवानों का ही प्रसाद जो है ये पूरा 32 दिन की कथा चलती है। अंत में लंगर भी होता है। जो मेरी माताओं बहनों से प्रार्थना है कि आप ठीक 4 बजे आएं और 6 बजे जहाँ आर्य समाज का टाइम बड़ा फिक्स रहता है, समय पर कथा शुरू होती है और समय पर ही समाप्त होती है। तो आप मेरी फिर माताओं बहनों से यही प्रार्थना है कि आप उस परम पिता परमात्मा के चरणों में लगें। सावन महीना जो है ये पूजा पाठ ही महीना होता है। कहते हैं कि सावन महीने में जो लोग पशुओं से काम लेते थे उनको भी छोड़ देते हैं, वो पशु भी जो है उनको फ्री में छोड़ देते थे। मैक्सिमम लोग जो देश इसमें भक्ति में रहते थे, देशभक्ति में भी रहते थे और प्रभु भक्ति में भी वो काम करते थे। तो इसलिए वेदों के आधार पर ये कथा होगी। जो हमारी माता सत्यप्रिय जी आ रही हैं वो भजन उपदेशक भी हैं और प्रवचन भी करती हैं, दोनों काम जो है वो करेंगी। फिर मेरी माताओं बहनों से जहाँ सत्संग मंडली हैं जो शहर के अंदर धार्मिक विधि के लोग भी हैं, मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ हाथ जोड़कर कि वो इस पवित्र हाल में आकर वेदों के आधार पर कथा सुने, ताकि वेदों के आधार पर कथा सुनेंगे आप तो ये देश भी आगे बढ़ेगा, देश भी ठीक तरीके से चलेगा। यही मेरी प्रार्थना है सबसे। देखिए आदरणीय आर्य समाज के प्रधान विश्व भारती जी ने जो बखान किया है, मुझे पूर्ण आशा है कि कठुआ के लोग जो भी उनकी बात को सुनेंगे वो अनुसरण भी करेंगे और अनुकरण भी करेंगे। कहते हैं बड़े भाग्यपूर्ण स्तन पावा सुर दुर्लभ ग्रंथन गावा। आदरणीय विष्णु जी, विष्णु भारती जी, मैं कहता हूँ कि धन्य है उसकी सोच, दिव्य सोच, कि जो हमेशा हर साल कथा का वो कराते हैं और बहुत से लोग सुनते भी हैं और कृतार्थ भी होते हैं। आदरणीय पूजनीय माता सत्य की उनकी सोच है, उनकी सरस्वती है वो जीवा के ऊपर बैठी हुई है। तो मेरी सभी माताओं बहनों को, बुजुर्गों को भी, कि जो घर में बैठे रहते हैं, मनुष्य जन्म का जो अर्थ है उसको समझने का प्रयास करें। कथाओं का आयोजन तो होता है, लेकिन अगर हम पूर्ण रूप से उनका लाभ नहीं उठाएं तो कोई फायदा नहीं है। ये कथा कल से श्रवण मास, जिसको एक पवित्र मास भगवान शिव का मास माना जाता है, मार्गशीर्ष भगवान कृष्ण ने बोला है कि मैं उसमें हूँ,
इसी माह में भगवान भोलेनाथ हैं, तो इस माह का बड़ा महत्व है।